फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप की सर्विसेज कल पूरी तरीके से ठप हुई थी। क्या आप इसके पीछे कोई कारण मानते हैं? देखिए, कंपनी का तो कहना है कि टेक्निकल कुछ कारण है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर आप देखें तो शायद इसमें कुछ और नज़र आता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला नज़र आता है, और इतनी सारी सर्विसेज एक साथ आपने टारगेट करी, तो कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ये कदम उठा रहे होंगे। अब वो कौन होंगे स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स, उन्होंने ये काम क्यों किया, ये तो आने वाला समय और तफ्तीश ही हमको बता पाएगी। लेकिन टिपिकली ये साइबर अटैक का एक क्लासिकल एग्जाम्पल कह सकता हूँ, यहाँ पर अटैक एक पर्टिकुलर कंपनी और उसकी विभिन्न वेब सेवाओं पर किया गया, और इस अटैक से कहीं ना कहीं एक वेकअप अलार्म कॉल भी हम सबको मिलता है। हम सब लोग अपनी दुनिया में निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने सारी अपनी फोटोज़ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर डाल दी और सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कि ये सेवाएं कभी बंद भी हो जाएं, आपका डेटा भी उड़ जाए और हो सकता है आपको नुकसान भी पहुंचे। तो आज वो समय आ गया है जहां पर हमें समझना होगा कि साइबर सुरक्षा में सेंध किसी के सिस्टम में, किसी की नेटवर्क पर, किसी की वेबसाइट पर कभी भी हो सकती है। तो हम अपना बैकअप रखें, सावधान हों, और अगर इस तरह की घटना घटित हो तो हमारा जो ऑपरेशन है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस पर पूरी तरीके से आश्रित हो चुके हों। जी सर, सर खबर है कि यूरोप में डिजिटल मीडिया के लिए जो नया कानून आ रहा है, मेटा उसके हिसाब से अपने सिस्टम को बदलाव कर रहा था, कोडिंग की गलती के चलते ऐसा हुआ, क्या ये संभव है? देखिए, फिलहाल अभी कुछ भी चीज़ ठोस आधार पर कहना संभव नहीं है, ये भी बात लगाई जा रही है कि हो सकता है। लेकिन आप अपने आप को सवाल पूछिए, कितनी बड़ी कंपनी जिसके इतने करोड़ों यूजर्स हैं, वो ऐसी गलती अपने विरुद्ध क्यों करेगी? तो लाजमी सी बात है कि अगर गलती हुई, कोडिंग की गलती हुई, उसकी वजह से इतने घंटे डाउन हो जाएं, ये बात लॉजिकली अपील नहीं करती। लेकिन हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि साइबर सुरक्षा में किसी अननोन स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर ने सेंध लगाई और इन वेबसाइट्स को डाउन किया, इन सर्विस को डाउन किया, ताकि लोगों को संदेश दिया जाए कि साहब इस तरह की सर्विसेज बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योर नहीं है, तो अगर आप उन पर रिलाई करेंगे तो आपका अपना रिस्क होगा। अभी फिलहाल कुछ भी ठोस आधार पर कहना मुश्किल है, कुछ भी संभव हो सकता है। वो तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस ही बता पाएंगी कि एक्चुअली क्या हुआ अल्टीमेटली। सर कल के बाद जो ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मैसेज फ्लो हुए हैं कि साइबर अटैक था और करोड़ों लोगों की जो जानकारियां हैं वो चोरी हुई, डाटा चोरी हुए हैं। ये बहुत लाजमी बात लगता है कि कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आ सकता है, साइबर आक्रमण तो हो ही सकता है। क्योंकि देखिए, आप एक कंपनी जो इतने बड़े पैमाने पर अपनी ऐसी वर्ल्ड क्लास सेवाएं चला रही है, तो वो इतने घंटे किस तरीके से इंश्योर करेगी कि अपनी गलती से ही उनकी सारी सर्विसेज बंद हो जाएं? तो ये साइबर अटैक का एक क्लासिकल का केस नज़र आता है। इम्पॉर्टेंट बात ये ढूंढने की है कि कौन कर रहा है और किसने किया है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि क्या ये एकमात्र ऐसा इंसिडेंट था या आगे भी ऐसे इंसिडेंट होंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आगे लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि हम आज कोविड-19 के बाद एक नए युग में कदम रख चुके हैं। उसे हम गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम कहते हैं, यानी कि साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग, और इस युग में नए नए प्रकार के साइबर सुरक्षा में सेंधें और साइबर अटैक्स और साइबर इंसिडेंट्स नज़र आते रहेंगे। तो हमको सावधान होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, अपने डेटा को संजो कर रखना पड़ेगा, बैकअप रखने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा इस तरह की सर्विसेज पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे, तो काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि हम इस तरह की जो अनप्रिसिडेंटेड इवेंट्स होंगे उसके दुष्प्रभावों से बच पाएंगे।